केम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल। तो देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है द नंबर लॉक ऑफ सूटकेस एज अ फोर व्हील्स ईच लेबल्ड विद द 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। द लॉक ओपन्स विद द सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विथ नो रिपीट्स। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन गेटिंग राइट सिक्वेंस टू ओपन सूटकेस। यहाँ पे हमको सूटकेस दी हुई है लॉक वाली, उसमें हमको लॉक किस टाइप का है, डिजिट का है, उसमें कितने डिजिट है 4, टोटल कितने डिजिट होते हैं 0 to 9 तक हम गिनेंगे तो होते हैं टोटल 10 डिजिट। उसमें से हमको बिना रिपीट किए ऐसा पासवर्ड डालना है कि सूटकेस ओपन हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो टोटल नंबर है हमारे पास 10, उसमें से 4 पासवर्ड डालना है, यानी कि 10 में से टोटल है 10, उसमें से 4 करना है सिलेक्ट, तो यानी हो जाएगा 10C4। उसके बाद कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि 4 हमारा 4 डिजिट का पासवर्ड है, तो यहाँ पे कितने अरेंजमेंट होंगे, 4 फैक्टोरियल। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो हमको नंबर मिल जाएगा कि कितने रिपीटेशन के अलावा कितने हमको डिजिट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 डिजिट विथ नो रिपीटेशन, 4 डिजिट विथ नो रिपीट। तो क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी 10C4 × 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 upon 4 factorial into 6 factorial into 4 factorial। 4 factorial 4 factorial कैंसिल हो जाएगा तो हमको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 5040। ये आंसर मिला कि इतने सीक्वेंस है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं, उसमें से कितनी बारी में लॉक ओपन होगा। लॉक तो सिर्फ एक ही बारी में ओपन होगा, तो हमारी डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट हो जाएगी 1 upon 5040। ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन हमारे पास कितने ट्रायल है, 5040, हम लॉक तो खुलेगा एक ही बार में, तो 1 upon 5040 ये हो गया हमारा आंसर।